अस्सलाम वालेकुम, न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। où les explosions ont retenti. पेरिस में दहशतगर्दों के 6 मुकामात पर खुदकुश हमले और फायरिंग, 127 हलाकतों की तस्दीक, 200 जख्मी। दूसरी जंग अजीम के बाद पेरिस में पहली बार कर्फ्यू। पेरिस में तमाम पाकिस्तानी खैरियत से हैं, सफारतखाने ने तस्दीक कर दी। पेरिस में दहशतगर्दी दाइश का कारनामा है, मंसूबा बंदी बैरूने मुल्क, मदद अंदरूनी अनासर ने की, फ्रेंच सदर का दावा। मुल्क भर में 3 रोजा शोक का ऐलान। वीकेंड की खुशियां मातम में बदल गईं, लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते रहे। मुश्तबा पैकेट मिलने की इतला, लंदन का गैटविक एयरपोर्ट खाली कराया गया। हमलों के इल्जाम में जर्मन दारुल हुकूमत से मुसल्ला अफराद मुंतकिल। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में पाक फौज की फिजाई कार्रवाई, 22 दहशतगर्द मारे गए, कार्रवाई खुफिया ठिकानों पर की गई। ISPR भरने के बाद इमरान खान की पहली तवील तरीन तकरीर, कहा 5 साल बाद इलेक्शन होंगे। नियाज साहब का पता नहीं, इलेक्शन से पहले ही सियासी खुदकुशी कर सकते हैं। इमरान खान को जहर दिया गया या नहीं, तफसीलात जानिए न्यूज एट 6 में। सियासी कशीदगी या शिकस्त का खौफ, हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर सांगढ़ में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी। नुसरत सहर अबासी कहती हैं पीपल्स पार्टी को अपनी शिकस्त नजर आ रही थी, इलेक्शन कमीशन दबाव में फैसला कर रहा है।